तो फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं कि आज NS 125 और पल्सर 125 में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और कितना भाई रेट का डिफरेंसेस मिलने वाला है और गाड़ी क्या कौन सा मॉडल, मतलब नया दोनों अपग्रेड मॉडल है 2024 मॉडल हम दिखा देते हैं आपको मीटर कंसोल से। तो इसका तो आपको हेडलाइट से और उसका मतलब मीटर कंसोल से दोनों का आपको मीटर कंसोल दिखा देते हैं। मीटर कंसोल इस टाइप का और इसका मीटर कंसोल इस टाइप का देखने के लिए मिल जाता है। तो जो अपडेटेड है वो क्या अपडेटेड दोनों गाड़ी में है और दोनों गाड़ी में क्या क्या रेट का डिफरेंसेज है और क्या मतलब मॉडल वाइज डिफरेंसेज है हम आपको बताने वाले। तो स्टार्टिंग करेंगे हम फ्रेंड से और पहले करेंगे हम रेट का। तो हम रेट का अगर बात किया जाए तो आपको 1,31,000 NS 125 में मिल जाएगा और उसका अगर बात किया जाए तो 1,15,000 ऑन रोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बाकी अगर बात किया जाए मतलब दोनों का लुक लुक वाई का, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको विंडशील्ड वाई मिल मतलब NS 125 बजाज का लोगो और बाकी यहाँ पे आपको जो है मतलब हेडलाइट का जो सेटअप है यहाँ पे थोड़ा सा NS का थोड़ा सा प्रीमियम जैसे देखने को मिल जाएगा। मतलब LED मतलब हेडलाइट पर DRL देखने के लिए मिल जाता है जिसके आपके कारण इसमें आपको विंडशील्ड ट्रांसपेरेंट और बजाज का लोगो हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप में मिल जाता है। इसमें हैलोजन इंडिकेटर, तो इसमें भी आपको हैलोजन इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ग्राफिक्स दोनों में ऊपर में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता और इसका भी मिल थोड़ा सा साइड में देखने के लिए मिल जाता। तो बाकी अगर मेडिगार्ड की अगर बात करें तो कार्बन फिनिशिंग के साथ में इसमें मिल जाता है और बाकी इसमें भी कार्बन फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है। मैट क्वालिटी की अगर बात किया दोनों का तो दोनों का मैट क्वालिटी दोनों का सेम मिलने वाला है, मतलब मैट क्वालिटी जो भी है। बाकी अगर शॉकर की अगर बात किया जाए तो दोनों में टेलीस्कोपिक शॉकर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर टायर सेक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें दोनों का टायर सेक्शन का आपका बात किया तो 80-117 का टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। दोनों का सेम टायर सेक्शन है। अगर बात किया जाए डिस्क ब्रेक का तो 240 mm का दोनों में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में रिफ्लेक्टर सेम रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है शॉकर पाइप में। बाकी अगर दोनों में ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है जैसे मतलब ABS ओबीएस का दोनों में ABS बिना नन ABS का है। अगर बात करें टायर सेक्शन का तो टायर सेक्शन के बाद बात करी कर लिए तो इसमें दोनों में MRF का टायर देखने के लिए मिल जाता है टायर सेक्शन के बाद। बाकी अलाइवल का उसका लुक और इसका अलाइवल का लुक का जो थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। तो इसमें आपको ग्रे के साथ में ग्रे अलाइवल मिल जाता है, उसमें पूरा ब्लैक फुली ब्लैक अलाइवल मिल जाता है। तो ये चीज़ था फ्रंट का लुक। तो बाकी अगर बात करें जब मीटर कंसोल का तो मीटर कंसोल का हम दिखाने वाले क्या क्या अभी रेट है दोनों में। मीटर कंसोल स्टार्ट करने वाले हम दोनों का सेटअप का जो भी है मीटर कंसोल वो हम आपको दिखाने वाले। मीटर कंसोल किस टाइप के दोनों का मिल जाता है मीटर कंसोल पहले स्टार्टिंग करेंगे पल्सर 125 का। जो मीटर कंसोल देखने के लिए कुछ इस टाइप से फुली डिजिटल मिल जाता है, फुली डिजिटल में आपको देख सकते हैं पूरा मीटर कंसोल कैसा मिलता है। तो आपको मीटर कंसोल 125 में आपको इस टाइप को कुछ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर NS 125 का अगर बात किया जाए तो मीटर के मतलब मीटर कंसोल सेम देखने के लिए, और दोनों का मीटर कंसोल का अगर बात किया जाए तो दोनों मीटर कंसोल दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। बस मीटर कंसोल में जो मतलब लुक है वो थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलता है। आपको मीटर कंसोल में आपको क्या क्या अपग्रेड नहीं देखने के लिए मिलता है तो आपको प्लस पॉइंट बता देते हैं। इसमें आपको गियर पोजीशन देखने के लिए मिल जाता है तो जिसके कारण इसमें आपको गियर पोजीशन देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी लगभग जो जो मीटर कंसोल है दोनों में सेम देखने के लिए मिल जाता है। इधर मतलब स्टार्टिंग करेंगे हम इसी मीटर कंसोल से तो आपको फ्यूल का यहाँ पर RPM लाइट का यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ टाइमिंग मिल जाता है, यहाँ पे बाकी मोड का बटन के साथ में आपको मतलब ट्रिप वन ट्रिप टू जो भी है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है यहाँ से। बाकी आपको चेक लाइट इंडिकेटर का देख सकते हैं दोनों का, तो बाकी पासिंग का देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाता है। बाकी न्यूट्रल का बटन यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको किलोमीटर हो जाता है मतलब ट्रिप वन ट्रिप टू वाला जो बाकी स्पीडोमीटर मिल जाता है। तो ये चीज़ है मीटर कंसोल। बाकी इसका भी मीटर कंसोल अगर बात किया जाए तो दोनों का मीटर कंसोल लगभग दोनों का सेम मीटर कंसोल है। मीटर कंसोल में बस एक ही चीज़ अपडेटेड है जो आपको गियर पोजीशन इसमें आपको इंडिकेट नहीं करेगा, उसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेट करने वाला। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड का बटन जो इसमें भी है और मोड का बटन इसका भी है। बाकी इन दोनों का ग्रिप का जो अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इस साइड का कट ऑफ और इस साइड का कट ऑफ में कोई दोनों में चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी टंकी का जो लुक है जो इसका लुक देख सकते हैं कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाता है, मतलब 3D लोगों के साथ में E20 सपोर्टेड मिल जाता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा E20 सपोर्टेड मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा इसमें ग्राफिक्स थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है पल्सर 125 में, बाकी इसमें भी 3D लोगो। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरा टंकी का पैड मिल जाता है, इसमें भी टंकी पैड मिल जाता है। तो अगर बात किया जाए दोनों का टंकी कैपेसिटी के बारे में तो दोनों का टंकी कैपेसिटी आपको बता देते हैं कितना बाई कितना का मिलने वाला है। तो जैसे कि बात करें टंकी कैपेसिटी का तो उसमें आपको 11.5 लीटर का कैपेसिटी मिल जाता है और इसमें आपको 12 लीटर का कैपेसिटी मिल जाता है। बाकी इसमें आपको टंकी में यहाँ पे 125 देखने के लिए मिल जाता है जिसमें इसमें आपको 125 देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ था बाकी ये चीज़। बाकी अगर बात की जाए यहाँ का दोनों का सीट का पोजीशन का तो दोनों में स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाता है। स्प्लिट सीट देख सकते हैं तो दोनों में स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे का अगर बात किया जाए पकड़ने का तो पकड़ने का लुक कुछ इसका अच्छा लगता है और पकड़ने का लुक इसका भी थोड़ा सा बेहतर है। मतलब बाकी अगर बात किया जाए लोगों का तो यहाँ पर NS 125 ऐसे लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर पल्सर 125 आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर सीट का अगर हाइट का अगर बात किया जाए दोनों का सीट का कितना कितना बाइक कितना हाइट हाइट है तो वो हम आपको बताने बताओ ग्राउंड के लिए मतलब हाइट का पहले बात कर लेते हैं। तो आपको जो आप पल्सर 125 जो देख रहे हैं उसका अगर हाइट का बात किया तो 1060 देखने के लिए मिल जाता है। और बात अगर इसका अगर हाइट का अगर बात किया जाए तो आपका 805 का देखने के लिए हाइट मिल जाता है। अगर बात किया जाए यही चीज़ का
तो ग्राउंड क्लियरेंस का अगर बात किया जाए तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा और इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ये चीज़ था ग्राउंड क्लियरेंस का। अगर इंजन का टॉर्क और पावर का बात करें तो दोनों में लगभग टॉर्क और पावर मिल जाते हैं आपको। तो टॉर्क और पावर का अगर बात करना चाहे तो स्टार्टिंग करेंगे पहले पल्सर का 125 का। तो उसमें आपको पावर का बात किया तो 8.70 का BHP का पावर दिया जाए। बाकी इसमें अगर NS का अगर बात किया जाए पावर का तो आपको 8.82 का देखना है। और टॉर्क का अगर बात किया जाए तो उसमें पल्सर का जो पल्सर का एक टॉर्क है तो वो आपको 10.8 का टॉर्क मिल जाता है और इसमें आपको 11 का आपको टॉर्क मिल जाता है। अगर बात किया जाए पीछे का जो मतलब देख सकते हैं ब्लैक बैकलाइट का तो वो दोनों का मतलब देख सकते हैं LED ब्लैक बैकलाइट मिल जाता है हैलोजन इंडिकेटर के साथ में। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं मिलेगा जिसके कारण इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी इसमें मेडिगार्ड का जो फिनिशिंग है इसमें फुली मेडिगार्ड देखने के लिए मिल जाता है, इसमें फुली मेडिगार्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर पीछे का दोनों का टायर सेक्शन का बात किया जाए तो टायर सेक्शन का अगर पीछे दोनों का टायर सेक्शन सेम है, दोनों का टायर सेक्शन का बात करें तो 90/17 का दोनों का टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बाकी जो रिंग का जो बात किए तो वो तो दोनों में देख सकते हैं डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ था। बाकी अगर बात किया जाए दोनों में तो दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बाकी अगर उसमें देख सकते हैं फुली चेन कवर मिलता है, इसमें सिंगल चेन कवर और दोनों में एक एक किक सपोर्टेड भी मिल जाता है। तो किक सपोर्टेड की भी बात करना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसमें भी आपको किक सपोर्टेड मिल जाता है और इसमें भी फुली ब्लैक इंजन मिल जाता है, उसमें फ्लैग फुली ब्लैक इंजन मिल जाता है। तो बात करना चाहिए सॉकर का बैक का सॉकर का तो दोनों का सॉकर का बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सॉकर का जैसे कि हम बात करने वाले थे तो इसका अगर हम बात करना चाहेंगे तो सॉकर का पहले स्टार्टिंग का और इसका सॉकर देख सकते हैं उसमें डबल सॉकर आपको देखने को मिल जाए, इसमें सिंगल सॉकर देखने को। और सॉकर में वो क्या क्या कौन कौन सा सॉकर दोनों में देखने को मिल जाता है हम बताने वाले हैं। तो जैसे कि पल्सर में एक तो बात कर रहे हैं तो ट्यून गैस मतलब देखने के लिए मिल जाता, ट्यून गैस मतलब सॉकर देखने के लिए मिल जाता। और इसका अगर सॉकर की बात किया जाए तो आपको मोनो शॉक सॉकर देखने के लिए मिल जाता है, जो सिंगल सॉकर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर वेट का अगर बात किया जाए तो दोनों में आपको 100 आपको देखने के लिए पल्सर का जो वेट है 142 kg मिल जाता है और इसका अगर बात किया जाए तो 144 kg का वेट मिल जाता है NS 125 का। तो ये था कंपैरिजन कैसा लगे आप। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को।